और वाले लोग कैसे यार। अब देखो इस बार जा रहे हो पोचिंग की। अब जैसे कि मैंने यार पिछले वीडियो में बोला था यार, ये गेम प्ले कतई मज़ेदार होने वाला। हाँ भाई, ये गेम प्ले कतई मज़ेदार होने वाला है पिछली वीडियो से ज़्यादा। ठीक है, अब क्या बताऊँ भाई, स्टार्टिंग कतई गलत होता है, हाँ बट एंडिंग कतई सही होता है। क्या बताओ, अभी तो जा रहे हो पोचिंग की, तो पोचिंग की पहले लैंड करते, पता नहीं अभी पचंकी बोला मैं, अच्छा सॉरी भाई। देखो पोचिंग की जा रहे, अब कई सारे बंदे यार, लग नहीं रहता कि यार ये मैच भाई साहब मैं निकाल पाऊंगा भाई, जरा से भी नहीं लग रहा था। और वो भाई देखो पबजी का सस्ता ना सा भाई, बाहर फेंक दिया बंदे को। अब देखो यहाँ पर मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार यहाँ पर मेरे आसपास कोई नहीं उतरा, सब उतरे दूर दूर, बट स्कार उठाने जैसे आता हूँ यार पुष्टि आया था कि मेरे बगल में कोई है। अब ये भाई सीजन 600 RP कतई तुम महान हो भाई। यहाँ पर मैं थोड़ा लेट हो रहा था स्प्रे करने में, अब पता नहीं यार मैं कतई नूब बनते आ रहा हूँ या तो पता नहीं। अब इसको तो कहते थे आसानी से ठोक देते एक स्प्रे में। अब चलते यार दूसरे बंदे को मारो। नहीं और हाँ भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये गेम प्ले में कोई भी यार नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड सॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, बैकग्राउंड सॉन्ग कोई नहीं लगाऊंगा क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता भाई। देखो हर एक गेम प्ले बैकग्राउंड साउंड रहेगा, कितने लोगों को पसंद नहीं आता। तो यार इस बार क्या गेम प्ले बिना बैकग्राउंड साउंड का यूज़ करो। अब देखो यहाँ पर एक बंदा था, इसको कतई आसानी से ठोक देते, बंदा कतई डरा हुआ होता। अब देखो ये बॉट को मैं डैमेज देता हूँ बट यार नहीं मरता, फिर दूसरा बार में मर जाता क्योंकि यार आदत हो चुका है ना बॉट को मारने का। पता नहीं अभी पता नहीं क्यों मेरा सही से गोली का आदत पता नहीं क्या हो गया। तो भाई देखो यहाँ पर हमारा हो चुका है 3 kill। अब चलते हैं दूसरे बंदे को पीटने, मतलब कि समझ जाओ मारने। अब देखो उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ, मुझको एक धमाकेदार फुस्टे, पता है क्या बताओ, मतलब कि पता चल ही गया था मेरे घर के ऊपर बंदा। अब इस बंदे को मतलब कि ये तो पता चल गया था कि यार ये मेरा ऊपर वाला फ्लोर पर नहीं है, ये टॉप पर है, मतलब कि छत पर है। अब ये समझ गया था भाई यहाँ से तो चढ़ने का एक एंगल नहीं है भाई। ये मुझको तब पता चला था जब मैं पहला बार पबजी खेलना सीखा था, मतलब कि भाई CN8 समय। ठीक है, जानता हूँ नूब था उस समय बट तब समझा था। अब देखो इस बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया, बट देखो ये जो भी लोहा ग्रिल टाइप का जो भी बोलो उसको, इसके वजह से मेरा थोड़ा एम मतलब कि चुक जा रहा था, लग नहीं रहा। अब देखो मैं ट्राई कर रहा था ग्रेनेड करने का, बट ये जो भाई ग्रिल टाइप का बना ना उस एनिमी का छत पर जो भी बोलो, तो उधर से मतलब कि ग्रेनेड मेरा पार होकर नीचे गिर चुका था, जिसकी वजह से बंदे को डैमेज नहीं होता है। तो भाई बस अब देखो इसको किस तरह से मारते, मैं लगाता हूँ अपना दिमाग क्योंकि यार ये बंदा कतई उसको अच्छा खासा डैमेज दिया था, तो मेरे को पता है ये बंदा थोड़ा कोना में रहेगा, हेल्थ बस मारने का ट्राई करेगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं कतई ऊपर चढ़ के इसको ठोक देता हूँ कतई आसानी से, मतलब कि कोई दिक्कत ही लगता ही नहीं है। अब देखो यार बंदरों की तरह कुत्ते कुत्ते मैं आता हूँ ट्रिपल स्टोरी पर। अब यहाँ पर आने में पता चलता है कि यार मेरे आगे वाला घर में एक बंदा है। अब मेरे को ये तो पता था कि यार बंदा पीक लेने वाला नहीं है। अब मेरे को ये आवाज़ आ गया था कि यार बंदा नीचे जंप कर चुका। अब मेरे को पता था कि वो कहाँ से आने वाला, और मैं कतई एम भी छा गया था। अब बंदा आया कतई क्राउच और शूट जिंदाबाद, बंदा ठिल गया, कतई मज़ा आ गया। इस बंदे को मारते कतई प्रो प्लेयर और फीलिंग आ रहा था, क्योंकि देखो आपको जब पता चलता है कि यहाँ से बंदा आ रहा, एम लगा के बैठे रहोगे और बंदा आपके मुँह के सामने आएगा और अब उसको मार सकते हो, मतलब मार दिए तो आपको लगेगा अरे यार हम तो प्रो बन गए भाई, देखो फुस्टे मारने लगा है अपने को। हाँ भाई ऐसे भाई फीलिंग आता है अच्छा से। अब देखो मेरा तो आदत हो चुका है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हाँ जहाँ पबजी मेरे से ग्लिच कर देगा तो भाई ये कुछ नहीं है मेरे सामने भाई, मेरे को तो कुछ आवाज़ ही नहीं आएगा जैसे मैंने कई सारे वीडियो में दिखाया था। अब देखो यहाँ पर मैं स्मोक कर दिया क्योंकि यार मेरे को नहीं पता यार अभी कोई बंदा बचा भी है नहीं बचा, क्योंकि भाई आप लोग को पता है यार पोचिंग की कतई बुरा कैंपिंग होता है यहाँ पर। अब देखो यार पूरा पोचिंग की हो चुका था, खाली कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि यार भयानक भयानक कैंपर भी बैठे होते हैं। अब देखो वहां से फिर मैं निकला कि रोजक साइड, देखो रोजक जून के बाहर था तभी मुझे चार दस चेक करने। अब भाई साहब क्या बताऊँ मैं, कैंपिंग का हाल होता है। ठीक है देख लो अभी
मैं ऐसे जा रहा था, गेट वेट खुला था, मैं सोच रहा था कि यार देखो बॉट कोई आता है, कोई लूटता है, देखो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बॉट लूटते हुआ। मैं यहाँ से निकला, पर तब मेरे ऊपर फायरिंग हुआ कि यार यहाँ पर एक बंदा है। मेरे को एहसास हुआ यहाँ पर बंदा फायरिंग में कर चुका था। अब मैं आऊँ ना ताऊ देखा तो घुस जा हो भाई, ये डायलॉग लेके सीधा जाता हूँ बंदे की तरफ। अब भाई इसलिए मैं कर रहा था ऊजी चैलेंज, हाँ पर ऊजी चैलेंज मतलब कि नाम का काम करनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा मुझको बंदा दिख चुका था, कतई न्यूब जैसा हरकत कर रहा था, रॉयल पास होने के बाद भी शायद से, हेलमेट तो अच्छा खासा स्किन उसके पास। अब मैं लगा रहा था दिमाग 300 IQ, बट भाई देखो हमसे ना होता 300 IQ, हम बस भाई TTP लेने जानते, बंदे मारने जानते, हमको वेट नहीं आता, ठीक है। अब उसके बाद मैं गेट खोलता हूँ कि यार बंदा फायरिंग करेगा। अब देखते हो उसका आधा गोली वेस्ट हो गया, जहाँ वो गोली मारेगा भाई तो वो मुझको नहीं मार पाएगा। अब देखो इसको लूटता हूँ, तभी यार एक गाड़ी का आवाज़ आया था मेरे को। अब यहाँ पर भाई लालच इतना है भाई, 6 उठाने के लिए क्या बताऊँ मैं क्या बताऊँ यार। देखो सबसे पहले 6 लेता हूँ, इसको करता हूँ 3x में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को आवाज़ आ चुका बंदा है। अब देखो उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, जहाँ यहाँ पर सही बता रहा हूँ रेड डॉट होता तो अरे ये बंदा आज यहीं पर ख़त्म होता, मतलब कि यहाँ पर ही इसका पेट ही बन चुका था। अब देखो मैं ऊजी लेके जा रहा था कि मुझको पता नहीं कि बंदा यहीं पर रुका होगा, क्योंकि उसका अच्छा खासा डैमेज हो चुका था, मेरे को आवाज़ भी नहीं आता। अब देखो उसको कतई आसानी से मारते हैं, बंदा एक गोली तक टच नहीं कर सकता है मेरे हाथ से, मतलब मेरे को एक गोली भी नहीं लगा इसके, जो भी बोलो, ठीक है। अब यार देखो यहाँ पर हो चुका अपना 8 kill, तो यार लाइक ठोक दो अब। अब देखो यार उसके बाद मैं आता हूँ एक ड्रॉप पर, क्योंकि यार देखो इतना गाड़ी घुमाने के बाद ना ये बंदा नहीं देता ना, कतई गलत लगता है। अब मेरे को ये तो पता कि कम से कम एक ना एक बंदा तो आना ही है, क्योंकि यार ये ड्रॉप है और सोलो मैं भाई सब चाहते यार कि रस करो रस करो रस करो भाई, मतलब बंदा दिखे तो मार के आओ ना ताओ देखा तो घुस जाओ ये बोल के जाओ भाई, सोलो को बस यही खासियत है। अब मेरे को ये तो पता कि एक ना एक बगी आएगा, या तो मतलब कि सॉरी बगी नहीं बंदा आएगा, यहाँ पर एक बंदा आता है बगी लेकर, ठीक है। अब देखो मैं ट्राई कर रहा था स्प्रे करने का, कतई क्राउच होकर तो नहीं हुआ, प्रोन होकर भी नहीं हुआ, प्रोन में भाई हिलता नहीं है, बट देखो जो तरह से बंदा, अब देखो वहाँ पर एक झाड़ी था मतलब कि घास फूस था, बट थोड़ा एंगल नहीं मिल पा रहा था, दिख नहीं रहता। अब ये कतई फॉगी वेदर है भाई, कतई बहुत दिनों बाद दिखने को मिला है। अब भाई मैं समझ गया था कि ऐसे घंटा कुछ होने वाला है, क्योंकि यार उसके बाद जहाँ ओम हो गया ड्रॉप से मिल गया ओम, और उसके बाद 8x या 6x हुआ, तो भाई मेरा काम तो भाई यहीं पर ख़त्म, यहीं पर ये भाई 8 kill की गेम प्ले बन गया, बट ऐसा होने नहीं दूंगा। अब जाता हूँ यार सीधा गाड़ी लेने, क्योंकि यार मेरे को पता था उसको एक दो हेड पड़ा है M4 का, अब प्लस बॉडी डैमेज पड़ा, बस मेरे को ये पता था कि उस बंदे ने हीलिंग कर लिया होगा। अब बंदा कतई चलाक होता है भाई, गाड़ी में बैठ के फूटना चाहता था मतलब कि निकलना, मैं कतई आता हूँ जंप पेंस और जिंदाबाद बंदा का ठोकते हो। आप देखते हो इसके पास ग्रोजा है भाई, लालच तो होता है था ग्रोजा उठाने का, उठा भी लेता हूँ यार, सोचा था यार स्टार्टिंग में कि यार ऊजी चैलेंज करूँगा, बट यार लालच क्या बताओ, लालच बुरी वाला भाई क्या बताओ। अब देखो उसके बाद मैं यहाँ से निकलना ही चाह रहा था, कह रहा था अभी एक बॉट मिल जाता, इसको तो कहते ही आसानी से मारते हैं, बट यार बंदा आजकल गाड़ी में मतलब कि सॉरी बॉट आजकल गाड़ी में डैमेज देने लगा। मैं गाड़ी बैठता हूँ भाई साहब, पता ही तगड़ा स्प्रे आता है क्या बताऊँ मैं। अब मैं ट्राई करता हूँ स्प्रे करने का, बट यार देखो कम हेल्थ है भाई, एक गोली टच हुआ तो मेरा काम यहीं पर तमाम, क्या बताओ अब मैं करता हूँ स्मोक, क्योंकि मुझको पता है यार यहाँ पर ऐसे सांप बनने वाला झाड़ी में रहने से कुछ नहीं होगा। अब मैं ट्राई कर रहा था कि गाड़ी में लेके डायरेक्ट गाड़ी बंदे पर चढ़ा दूँ, क्योंकि यार बंदा बन चुका है सांप, अब गाड़ी से अच्छा एंगल मिलता है यार, कहते आसानी से मार देगा, बट मेरे को बंदा दिख गया था। अब देखो उसको तो मार देता है M4 6x7, ठीक है 6x7 मार देते, कहते अब देखो उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, और देखो जब मैं गाड़ी घुमा रहा था यहाँ से, गाड़ी ऐसे गोल गोल राउंड मार रहा था, तो मुझको यहाँ पर फूस्टे आया था कि यार एक बंदा, बस क्योंकि मैप में नहीं आया था, थोड़ा अजीब टाइप का साउंड से आया था। अब भाई जब मैं घर को पूरा छानता हूँ, जगह जगह देखता हूँ, तब यार सही बता रहा हूँ एक बंदा तक नहीं मिलता है। तो यार ज़्यादा आप लोगों को बेकार से ना दिखाते हुए डायरेक्ट चलते हैं बंदे की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने गाड़ी का फ्यूल देख लो, गटका वटका सब जगह घुरा लिया था, कहीं नहीं मिला, बीच का क्लिप बहुत कट गया। उसके बाद भाई देखता हूँ कि आगे एक डासिया है लाल रंग का, यहाँ पर आ तो देखते हो आगे एक भगिया भाई कैसे, ओ भाई फुस्टेप भी आ चुका था। अब ये बंदा पता नहीं कौन से सस्ते नशे लेके खेल रहा था, आई डोंट नो भाई, मैं नहीं जानता ये कौन से सस्ते नशे लेके खेल रहा था, बट जो भी हो
एक फ्री का किल, एक फ्री का गाड़ी, मतलब मिल चुका भाई, कदे ही मजा आ गया। एक गाड़ी में एक बंदा भाई, जो मेरे को चाहिए था कई देरों से ढूंढ रहा था बट मिला नहीं, बट एक गाड़ी लेने आता हूँ कि यार एक बंदा मिल जाता, बहुत सही। अब भाई साहब, अब जो गलत सीन होने वाला है ना भाई, ये यहाँ का इंटेंस फाइट का स्टार्टिंग है, क्योंकि यार इसके बाद भाई साहब क्या बताऊँ भाई, कतई इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मतलब कि इंटेंस फाइट। देखो गाड़ी से उतरा, कतई डैमेज कर दिया अच्छा खासा बंदा। अब आगे बगे था तो देखो उसको दो तीन गोली लगता है ग्रोजा का, बट बंदा मरता नहीं है भाई। मैं M4 से भी मतलब कि गाड़ी में मारता हूँ कि यार बंदा गाड़ी से फट गया। अब देखो उसके पीछे भी बंदा नहीं मिलता। अब बंदा कर रहा होता ग्रेनेड। अब देखो यहाँ पर थोड़ी देर के अपना मुँह चुप करता हूँ, पहले आप पूरा गेम प्ले देखो। और हाँ भाई एक चीज़ और, यार देखो 11 12 मतलब कि मेरे को छोड़ गया यार 11 बंदा। आपको क्या लगता है कि यार ये गेम प्ले में मैं कितना किल कर सकता हूँ, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। कैसा लगा भाई बता देना। अब देखो यार यहाँ पर मैं भाई इस बंदे को मारने के बाद कतई मेडिकेट मारने लगता हूँ, बट अभी आपको कुछ ही दिखने वाला है। ओह भाई साहब, कतई बंदा भाई जो मैं गेम खेला था ना भाई, मेरा कतई गलत हाल हो चुका है। अब देखो इस बंदे को कतई ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बट ये बंदा मेरे को खाने के लिए भाई एक गोली चुक गया, वरना ये बंदा मेरे को मार चुका था। अब देखो भाई मेरा लास्ट में भी हम दोनों से सेम सिचुएशन हो चुका था। अब मैं यहाँ पर मेडिकेट मारने एक और बंदा लग रहा था, बट आपको फिर से एक और गलत सीन दिखने वाला है भाई साहब, कतई हंसाने वाला सीन है भाई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो बता देना जरूर यार, जरूर से भाई, भूलना मत, थोड़ा मेहनत लगे बट बता देना भाई। पढ़ना चाहूँगा भाई किस किस किसके साथ ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ पर मेरे को फुस्टे आ रहा था कि यार मेरे पीछे कोई बंदा हो सकता साहब बने, मैं कहते डर डर के लूट रहा था। और देखो लालच इतना है भाई, लूटना तो लूटना है भाई, 7 एमो कहते ही कम हो गया था, उस बंदे को मारने में कुछ ज़्यादा एमो वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एकदम ड्राइविंग का मतलब कि ड्राइविंग सीट पर जाता हूँ, गाड़ी थोड़ा पीछे लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे को रिस्क नहीं लेना है, BRDM है यार, इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। अब बंदा यहाँ पर आता है, फायरिंग करने लगता है, मैं कहते उतरता नहीं। अब बंदा भाई गन पीछे करता है। ओ भाई साहब देख रहे हो, मतलब कि बंदे को भाई साहब मैंने गाड़ी से मतलब BRDM से कुचला था बट कुचलाया नहीं। अब भाई साहब मैंने बंदे को जंप एंड शूट के साथ मार दिया। अब देखो यहाँ पर मैं कर रहा था अपने कंट्रोल सेटिंग, क्योंकि यार मेरा जो ये जॉयस्टिक है कतई बड़ा करके रखा था, ये मैंने गलती से कर दिया था 3DM के लिए, ठीक है गलती से कर दिया, मतलब सेटिंग कर रहा था, देख रहा था कि यार 3DM में ऐसा अच्छा लग रहा था खेलने में, तो अपना एंगल में भी कर दिया, बट यार अभी गेम का समय पता चला कि यार ऐसा नहीं करना भाई, कतई गलत हो जाएगा। हाँ कर सकते हो, बट यार आपका हाथ कुछ ज़्यादा बड़ा है तो आपके लिए थोड़ा ठीक होगा, बट अब देखो मतलब कि मेरे को फास्ट मूवमेंट कुछ ज़्यादा चाहिए, कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा चाहिए, तो यार देखो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे हुआ था ड्रॉप, मेरे को ये तो पता कि यार यहाँ पर बंदा। अब देखो मैं यहाँ पर एक क्लिप तक कट नहीं करने वाला, क्योंकि यार यहाँ से आपको कतई मज़ा आने वाला। हाँ फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा बट कट नहीं करूँगा। भाई साहब तुम साले अपने नाम के पीछे द किलर लगा के रखे हो। हाँ भाई तू किलर था, वो भी वेरिकल किलर, ठीक है तू मेरे को ना मार पाया है, तू मेरे गाड़ी को फोड़ दिया, बस फर्क इतना था कि यार तू रॉयल पास वाला था, ते अमीर था, हम नहीं है भाई, हम गरीब है। हाँ हाँ पर भाई स्किल्स के मामले में मैं तुझसे कतई अमीर हूँ, कतई अमीर हूँ, कतई बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यार यहाँ पर एक गाड़ी खड़ा था। अब मेरे को ये लग रहा होता है कि यार यहाँ पर एक बंदा हो सकता, तो यार मैं सारा जगह चेक कर रहा था, क्योंकि यार
देखो आप कभी ना स्टार्टिंग से पबजी मोबाइल खेले हो ना तो आपको पता है भाई यार कितना गलत सीन हो सकता है पबजी में। आप जैसे आपकी आप न्यू प्लेयर हो अभी तो आपको शायद से ना पता हो कि यार पबजी कतई भयानक गेम है। ठीक है, मैं कतई सब जगह चेक करता हूँ यार कहीं बंदा मिल जाए तो उसको भी मारूँ यार और किल बढ़ाऊँ और भाई मतलब किल लूँ, बस ऐसा होता नहीं है। कि आपको कोई बंदा दिखा? हाँ तो बताओ। ठीक है, अब तक तो आपको दिख गया होगा। हाँ भाई देखो इसको कतई आसानी से गुजर लेते हैं। अब भाई अब सिर्फ बचे थे यार चार बंदे, देखो क्या होता है। ओ माय गॉड, मजाक से हट के यार देख लो स्लो मोशन में, देखो मैं कतई गाड़ी आता हूँ ठोकता हूँ। भाई साहब जब मैं गेम कर रहा था ना कतई नहीं लगा था कि यार मैं मतलब यहाँ पर एक बंदा होगा, भाई एक जरा नहीं लग रहा था। और ठीक इसके पीछे मतलब कि नीचे एक बंदा होता जिसको कतई M416 का स्प्रे से गिरा देता हूँ, लगी ख़त्म कर देता। मैं चाहता था उसको भी गाड़ी से कुछ, उसको भी मैंने पहले देख ही लिया था बट इस बंदे को मैंने पहले नहीं देखा था यार। अब देखो अभी क्या अभी यार लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को, क्योंकि यार इसी तरह के आपको तगड़ा तगड़ा गेम प्ले को देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर। कतई मजा आ गया होगा तो लाइक भी ठोक दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ऑल पर कर देना भाई, क्योंकि यार मेरा नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों के पास कतई जल्दी, आप लोग इसे देखो आपको मजा भी आए मेरा भी फायदा हो। ठीक है, अब देखो फिर मैं गाड़ी घुमाने लगा थी, क्योंकि यार देखो भाई साहब इतने बड़े झोन में यार सिर्फ दो बंदा, मुझको भाई तीन बंदे हैं बट मेरे को छोड़ के दो बंदा बचा बस। तो अब देखो यार एक और बंदा मेरे को दिख जाता है जिसको कतई आसानी से गाड़ी से कुचल देते हैं बट थोड़ा आगे। अब देखो यार आप लोगों को पता है यार कि लास्ट बंदा ढूंढना कितना मेहनत का काम है भाई, अब उतरने से मरने में उतना काम नहीं आता, मतलब कि उतना टाइम नहीं लगता इतना यार कि लास्ट बंदे को ढूंढने में टाइम लगता है। अब चलो यार अब प्रगति करते हैं बंदे ढूंढने का, मतलब कि प्रगति शुरू करते हैं बंदे ढूंढने का, फिर बंदे को पीटते हैं। ओ भाई साहब बंदा मेरे गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया, बंदा कुचलने के मरने गया बट यार बंदा मेरे गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर यही चाहता था कि यार कि बंदा को मैं गन से मारूँ ना कि गाड़ी से, क्योंकि यार देखो कई सारे बंदे को गाड़ी से मार रहा। अब देखो भाई देखो शायद से ये मेरा चौथा या तीसरा बार है, तीसरा चौथा बार है कि यार मैं कोई बंदे चिकन करने के बाद इमोट कर रहा हूँ, बहुत ही कम करता हूँ मैं इमोट क्योंकि यार भूल जाता हूँ डायरेक्ट भाई चिकन लेता हूँ गोटो ले जा। पहले जब चिकन लेता था भाई कतई खुश होता था भाई, पूरा दिन अच्छा जाता था जहाँ चिकन लेता, बट अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि यार आज चिकन है कल मौत है गेम में। ठीक है तो भाई साहब कुछ नहीं, ठीक है तो यार आज के बड़े इतना तो क्लियर बाय बाय यार बाय बाय। होने से पहले आप लोगों को पता है कि यार लाइक ठोक दो, जहाँ तक आप मतलब कि आप लोगों ने अभी तक नहीं ठोका है तो अभी के अभी टाइम है, अभी मौका है लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ऑल पर कर दो जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आए, और यार शेयर भी कर दो क्योंकि यार आपका फ्रेंड लोग को भी पता चले यार कहते इतने ऐसे मज़ेदार गेम प्ले भाई बनाया जाता है पबजी का, इतने तगड़े तगड़े ग्लिच है भाई साहब। तो यार आज के इतना तगड़े क्लियर बाय बाय यार।